तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ये हमारी सेवियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने आपको दिखाई कैसे सेवियाँ तैयार की जाती हैं, तो वो ये रेडी है। तो अब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी शाम तक, तो हम इफ्तारी इसी से करेंगे। पहले खजूर खाएंगे, उसके बाद हम ये सेवियाँ खाएंगे। पहले हम खजूर के साथ तैयार करते हैं, उसके बाद ये सेवियाँ सर्व की जाती है, उसके बाद क्रीम और फुल्का। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी सेवियाँ बिल्कुल तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रीन लाइफ डायरीज एंड फूड। तो गाइज, आज मैं आपको सेवियाँ बनाना दिखाती हूँ। ये मैंने दूसरी सेवियाँ ली है, पर तो मैंने जो पहले बनाई थी पहले दाल की रेसिपी, वो मैंने ये वाली डाली हुई थी, तो आज मैं ये वाली डालूँगी। इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। ये पतली वाली सेवियाँ हैं, ये थोड़ी मोटी वाली सेवियाँ हैं। देखिए, आज हम ये वाली सेवियाँ बनाएंगे। तो गाइज, हमने क्या किया है, सबसे पहले दूध डाला है। देखिए, दूध हमारा उबलने वाला है। ये देखिए, तो अब हम इसमें क्या डालेंगे, चीनी डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कोई कम खाता कोई ज़्यादा खाता, जिसने जितना मीठा खाना है उसी हिसाब से चीनी आप पहले ही चेक कर सकते हैं। हमारे तो रोज़े चल रहे हैं, हम तो ऐसे ही डालते हैं, मतलब कितने दूध में कितनी चीनी लगेगी उसी हिसाब से डालते हैं। हम अभी इसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ये देखिए, मैंने चीनी डाल दी है। अब मैं ये सेवियाँ इसमें डालूँगी, तो और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी सूजी भी डालूँगी। देखिए कि मैं सूजी डाल रही हूँ थोड़ी सी इसमें, उसके अंदर देखिए, तो इससे थोड़ी सूजी से थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ये पानी से नहीं बनती है। सेवियों में थोड़ी सी सूजी ज़रूर डालिए, ताकि इसमें जो टेस्ट आए और थोड़ा सा थिकनेस भी आ जाती है दूध में। देखिए, नहीं तो वो सेवियाँ जो है थोड़ा पतली पतली बनती है। ये सेवियों की जो हम इसमें सूजी डालते हैं, इससे थोड़ा मोटापन आ जाता है। तो ये देख लीजिए, अब हम इसको इसको ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखिए, आधा भी पैकेट ऐड करूँगी, क्योंकि ज़्यादा ही घनी बनेंगी। ये देख सकते, ये वैसे भी ये हमें जो ये सेवियाँ हैं, ये हमें पूरी सेवियाँ नहीं है, ये तोड़ के सेवियाँ हैं। जैसे ये सेवियाँ हमें तोड़नी पड़ती हैं। देखिए, परसों मैंने ये वाली बनाई, आज मैंने ये दूसरी वाली सेवियाँ बनाई, तो देखते हैं कैसी बनती है। देख लीजिए, से वो वाली सेवियाँ जो होती हैं वो दूध अच्छे से उबले उसके बाद डालनी होती है, फिर थोड़ा सा ही इसको सेवियाँ को थोड़ा सा ही हिलाना पड़ता है, उसके बाद बनानी पड़ती है। तो ये वाली सेवियाँ थोड़ा हमें अभी दूध नहीं उबला था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बनने में टाइम लगेगा ये वाली सेवियों को, इसलिए हमने इसको दूध को अभी सिर्फ गर्म ही किया था, मतलब हाफ बॉयल किया था, पूरा बॉयल नहीं किया था। तो अब हमने इसको इसमें डाल दिया, आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हमारे पास रिजल्ट आएगा। मुझे जो सेवियाँ हैं बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड अच्छी लगती है, बच्चों को दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो बनी हो तो दोनों ही खा लेंगे, लेकिन मुझे ये अच्छी लगती है और मेरे हस्बैंड को कस्टर्ड अच्छी लगती है, इसलिए कभी हम कस्टर्ड बनाते हैं, कभी ये बनाते हैं। ये रमज़ान का महीना है, पूरे महीने ही ऐसी ही चीज़ें बनती रहेंगी, क्योंकि कुछ मीठा भी बनेगा, कुछ तीखा भी बनेगा, जैसे कीमा वगैरह, तो आप देख सकते हो। ये देख लीजिए, तो ये आप देख सकते हो, ये थोड़ी थोड़ी मोटी खा रही है। ये देखिए, पका रही है दूध में, बस हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे, बस एक मिनट दो मिनट हमें हमें इसको डालने के बाद एक दो मिनट ही इसको उबालना है। तो ये हमारी सेवियाँ जो है तैयार हो जाएंगी, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है। थोड़ा सा
हम इसके लिए बादाम थोड़े से कूटेंगे, या कह सकते हैं ये मैं इसमें बादाम डालूँगी थोड़े से कूटने के लिए। फिर हम इसको रखते ही कूटेंगे। ये डब्बा बादाम का पूरा भरा हुआ था, तो रोजे के महीने में ये हम जो जो कस्टोर और ये सेवियाँ बनाते हैं तो ये अंदर में ये डालती हूँ कूट के। तो ये आज काम के लिए है, फिर दूसरा डब्बा निकालना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आप मज़ा डाल सकें। ये देखिए तो अब मुझे लगता है इसको बंद करना पड़ेगा। ये बन चुकी है, तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। ये भी सीवे बन चुकी है, मैंने इसको चेक कर लिया अभी। तो ये हमारे सीवे बिल्कुल तैयार है। तो इसको हम आप गैस को बंद कर देंगे, उबलने देंगे अच्छे से। एक बार उबलेगा, ये देखिए उबल आया ना, आप देख सकते हैं उबल आया है। इसका बर्तन भी बन चुका है, इसको उबालना है मतलब एक मिनट या दो मिनट के लिए हम इसको इस दूध में अच्छे से उबालेंगे, मतलब बिल्कुल उबाल आएगी फिर समझो हमारी ये बन गई। देखो आपको दिख रही है सूजी भी इसमें मिक्स है और वो भी इसमें मिक्स है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो है सेवियाँ बन चुकी है। मैं आज इसको गैस को बंद करूँगी, उनको बाउल्स में डालेंगे। ये मैंने बंद कर दिया, आप देख सकते हैं। अब इसके लिए मैं ये बाउल्स ही निकालती हूँ। हम डाल देंगे ये डाल देते हैं। जैसे कि मैं इसको बाउल्स में डाल रही हूँ, ये आप देख सकते हो मैंने इसमें ये बादाम कूट के डाल रही हूँ। तो मूसा को मुँह में पानी आ रहा है, मगर मूसा की सेवियाँ नहीं खाता है।
तो ये आप देख सकते हो, ये देखिए ये हमारी सेवियाँ जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने आपको दिखाई कैसे सेवियाँ तैयार की जाती हैं, तो वो ये रेडी है। तो आप ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी शाम तक, तो हम इफ्तारी इसी से करेंगे। पहले खजूर खाएंगे, उसके बाद हम ये सेवियाँ खाएंगे। पहले हम खजूर के साथ तैयार करते हैं, उसके बाद ये सेवियाँ सर्व की जाती है, उसके बाद केला और फुलका। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारी सेवियाँ बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं हमारी सेवियाँ बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो गाइज आप हमें बता सकते हैं, हमने परसों कस्टर्ड की डाली, सेवियाँ के भी पहले डाली हुई थी, आज हमने ये दूसरी वाली सेवियाँ बनाई है। तो आप हमें बताओ उसका रिस्पॉन्स, जो पहले सेवियाँ डाली उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आया था, तो इसलिए मैंने आज दोबारा दिखाई ये बना के। तो हाँ गाइज आप हमें बता सकते हो आपको हमारा तरीका कैसा लगता है, जो हम रेसिपीज डालते हैं तो आपको कैसा लगता है, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।